बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ MTH 426, इंट्रोडक्शन टू मैयत थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने मैयरेबल सेट्स को डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। इनफैक्ट हमारा आज का लेक्चर भी कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे मेयर ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स। इनफैक्ट हम देखेंगे कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मेयरेबल सेट्स लें तो उस सीक्वेंस की यूनियन और इंटरसेक्शन की मेयर किसी एक सिंगल सेट से कैसे रिलेट हो सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मेनली। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में। रिकॉल दैट हमने लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए सेट डिफाइन की हुई है इससे पहले। दैट इज लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इज द इनफिमम ऑफ समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एन आई एन। नोट करें कि ये डेफिनेशन एज सच इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम इसको रिविजिट कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। वेयर यूनियन इज टेकन आवर अकाउंटेबल सीक्वेंस of open intervals IN। In fact, लेबेग आउटर मेयर किसी भी सेट की फाइंड करने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सेट लें से ये ए सेट है तो इसका एक ओपन कवर से ये इसका एक ओपन कवर आ गया जिसमें टू इंटरवल्स हैं आई वन और आई टू। आप लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स निकालें और इसको सम अप करके एक नंबर से ए वन के इक्वल है। ये ए वन ऑफ कोर्स एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। सिमिलरली इस सेट ए का अनदर काउंटेबल ओपन कवर लें, उस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करें, लेंथ्स को ऐड करें तो एक नया नंबर जनरेट होगा से ए टू। इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें और ऑल पॉसिबल ओपन कवर्स फाइंड करें जो काउंटेबल हूं इस सेट के और उस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ का सम फाइंड करते रहें। देन इनफिमम ले लें ऐसे तमाम नंबर्स का, तो ये जो इनफिमम होगा ये लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर देगा। अब क्योंकि ये लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इनफिमम है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए में जब हम एप्सिलॉन ऐड करते हैं तो ये लोअर बाउंड नहीं रहती सेट की। जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो ये सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगी, से सेट के जिस एलिमेंट से ग्रेटर है उनमें से एक एलिमेंट ये है समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन। और इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। लेबेग आउटर मेयर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये थी कि लेबेग आउटर मेयर ऑफ एम्प्टी सेट जीरो के इक्वल होती है, लेबेग आउटर मेयर इज मोनोटोन दैट इज If A is subset of B, then लेबेग आउटर मेयर ऑफ A less or equal to लेबेग आउटर मेयर ऑफ B। After this, हमने देखा था कि हर वो सेट जो फाइनाइट हो या काउंटेबल हो उसकी लेबेग आउटर मेयर जीरो होती है, जबकि अनकाउंटेबल सेट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी इंटरवल ले लें से 1 to 2 तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है तो इसकी लेबेग आउटर मेयर हमने देखा था इसकी लेंथ होती है विच इज 2 माइनस 1 जो नॉन जीरो है।
लेबेग आउटर मेयर की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कि एम स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव. अब काउंटेबली सब एडिटिव क्या था कि हमारे पास अगर हम एक ए एन सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ यूनियन एन ए एन लेस आर इक्वल आती है समेशन एन लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए एन. ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेबेग आउटर मेयर से रिलेटेड. देन हमने मेयरेबल सेट स्टडी किया था. ए सेट ई कंटेन्ड इन आर इज मेयरेबल इफ फॉर ईच ए सबसेट ऑफ आर लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें ई जो है दिस इज कॉल्ड मेयरेबल सेट एंड ए इज कॉल्ड टेस्ट सेट. क्योंकि ये सेट यूज हुआ था ई सेट की मेयरेबिलिटी टेस्ट करने में इसलिए इसको टेस्ट सेट कहते हैं. देन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे अबाउट मेयरेबल सेट्स वो ये थे कि ई इज मेयरेबल इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट इज मेयरेबल. दैट इज मेयरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मेयरेबल होता है और कन्वर्सली अगर कॉम्प्लीमेंट मेयरेबल हो तो सेट इटसेल्फ मेयरेबल होता है. सेकंड फाई एंड आर मेयरेबल एंड थर्ड वन इफ ई वन एंड ई टू आर मेयरेबल देन ई वन यूनियन ई टू एंड ई वन इंटरसेक्शन ई टू सिमिलरली ई वन माइनस ई टू आर मेयरेबल. दैट इज यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू मेयरेबल सेट इज मेयरेबल. तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज के लेक्चर में अगेन हम फोकस करेंगे कि हमने देखा है कि काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ मेयरेबल सेट्स लें तो उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन जो होती है वो मेयरेबल होती है. इनफैक्ट मेयरेबल सेट्स के बाद हमने लेबेग आउटर मेयर का टॉपिक इन डिटेल स्टडी किया. अब लेबेग आउटर मेयर जो थी इनफैक्ट अगर किसी सेट की लेबेग आउटर मेयर लेते हैं ए और ये सेट इटसेल्फ जो है इसका स्टेटस क्लियर नहीं कि ये मेयरेबल है या नहीं. तो इफ ए इज इटसेल्फ मेयरेबल देन लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए इज कॉल्ड इट्स लेबेग मेयर. और इसको हम डिनोट कर रहे थे डिनोटेड बाय एम ऑफ ए. तो यहां मैंने इम्फिसाइज किया था इस पॉइंट पे कि जब भी आप एम स्टेरिक को रिप्लेस करें विद एम तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जिस सेट पे एम अप्लाई कर रहे हैं वो सेट मेयरेबल है. तो जब तक वो सेट मेयरेबल नहीं होगा इस सेट में आप लेबेग मेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब लेबेग मेयर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी एम इज मोनोटोन एम ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो एम इज फाइनाइटली एडिटिव M is countably additive and M is
ट्रांसलेशन इनवेरिएंट. देन मैंने क्लास एम डिफाइन की थी या फैमिली एम डिफाइन की थी, ई सच दैट ई सबसेट ऑफ आर एंड ई इज मेजरेबल. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि एम इज ए सिग्मा अलजेब्रा. ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू. अब यहां पे क्योंकि ई वन और ई टू मेजरेबल सेट थे, मेजरेबल सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो यूनियन सेट की मेजर फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि ये मेजर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज में कि से ई वन सेट है इंटरवल 1 to 5, ई टू सेट है इंटरवल 7 to 9, व्हाट इज मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू. तो आप नोट करें कि फर्स्ट ई वन एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, सो इज मेजरेबल. मेजरेबल है तो इसकी मेजर इसकी लेंथ होगी, सो मेजर ऑफ ई वन इज 4 प्लस मेजर ऑफ ई टू इज 2, और क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है सो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होने की वजह से ये मेजर 0 के इक्वल होगी. तो यूनियन की एग्जैक्ट मेजर जो है वो 6 के इक्वल है. ऑल्दो नोट करें कि इसमें जो मैंने ई वन सेट लिया है वो 1 से 5 तक क्लोज इंटरवल लिया है, और ई टू जो लिया है वो 7 to 9 लिया है. तो ई वन और ई टू की यूनियन इंटरवल नहीं है, ई वन यूनियन ई टू इज नॉट एन इंटरवल. फर्दर ये सेट ई वन यूनियन ई टू जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर इसको हम डिसाइड करें तो क्योंकि ई वन अनकाउंटेबल है, ई टू भी अनकाउंटेबल है, तो इनकी यूनियन ये एक अनकाउंटेबल सेट है. तो ये एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जो इटसेल्फ एक इंटरवल नहीं है, बट स्टिल हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस सेट की मेजर फाइंड कर ली. इसी तरह अब आपने ये देखना है कि अगर ई वन में सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेता हूं, ई टू सेट लेता हूं से एम्प्टी सेट, देन मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है. तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यूनियन सेट की मेजर फाइंड करने के लिए यूज की है, इसका प्रूफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो हम ई वन यूनियन ई टू को ब्रेक कर देते हैं डिसज्वाइंट सेट्स में, जो एक फाइनाइट फैमिली ऑफ डिसज्वाइंट सेट्स बनती है जो मेजरेबल होते हैं. देन हमने लेबेग मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज की थी और शो किया था कि यूनियन की मेजर इस वैल्यू के इक्वल है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, इसमें हम मेजर ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला रिजल्ट हम कर रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट रिजल्ट की जनरलाइज्ड फॉर्म है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एक सेट ई वन लें और एक सेट ई टू लें तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये ई वन इंटरसेक्शन ई टू है, और ये जो रीजन है ये ई वन माइनस ई टू है, और इसी तरह ये डॉटेड रीजन से मैं इसको कह लूं
तो ये ई टू माइनस ई वन है, दैट इज ये सेट इक्वल है ई वन इंटरसेक्शन ई टू कंप्लीमेंट के, और ये सेट इक्वल है ई टू इंटरसेक्शन ई वन कंप्लीमेंट के। तो यहां पे क्योंकि ई वन और ई टू मेजरेबल सेट्स थे, तो मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस इंटरसेक्शन यूनियन मेजरेबल होती है, सो ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ई वन माइनस ई टू एंड ई टू माइनस ई वन ऑल आर मेजरेबल। फर्दर इन दोनों सेट्स को कंबाइन करें तो ई वन यूनियन ई टू ये सेट भी मेजरेबल होता है। सो एज वी नो दैट मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इस थ्योरम में हमारा टारगेट इस रिजल्ट की जनरलाइजेशन है। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे फॉर थ्री मेजरेबल सेट्स। इफ ई वन ई टू ई थ्री आर मेजरेबल सेट्स, देन मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू प्लस मेजर ऑफ ई थ्री माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू माइनस मेजर ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। यहां से मैं दोबारा कर रहा हूं यार, माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री प्लस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री। सो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि E2 और E3 की जो यूनियन है इसको मैं से D लेट कर लेता हूं, लेट D इज इक्वल टू E2 यूनियन E3, देन D इज मेजरेबल। अब D क्यों मेजरेबल होगा, क्योंकि E2 और E3 मेजरेबल है, तो मेजरेबल की यूनियन मेजरेबल सेट, सो D इज ए मेजरेबल सेट। कंसीडर, अब जो टारगेट है इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड है मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री। अब नोट करें कि ई टू यूनियन ई थ्री को हमने डी से डिनोट किया हुआ है, सो मेजर ऑफ ई वन यूनियन डी के इक्वल। अब ये इनफैक्ट टू सेट्स हैं, तो इस पे रिलेशन वन यूज करें जो टू सेट्स के लिए ऑलरेडी नोन है, सो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ डी माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन डी। दिस इज फर्दर इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू यूनियन ई थ्री माइनस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ई थ्री। दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू यूनियन ई थ्री माइनस मेजर ऑफ, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, तो ये आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E3। अगेन दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस, अब इस सेट पे दोबारा रिलेशन वन यूज करें तो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। और इसी तरह नेक्स्ट इस सेट को एज ए फर्स्ट सेट ट्रीट करें और इस सेट को एज ए सेकंड सेट, तो मेजर ऑफ E1 यूनियन E2, अगेन ये उसी टाइप का सेट बन रहा है, सो इसकी मेजर लें, दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज E1 इंटरसेक्शन E2
plus measure of second set, which is E1 intersection E3, minus measure of their intersection, that is E1 intersection E2, intersection E2 intersection E3. So this is equal to measure of E1 plus measure of E2 plus measure of E3 minus measure of E2 intersection E3 minus measure of E1 intersection E2 minus measure of E1 intersection E3, and last term is minus minus plus, which is measure of E1 intersection E2 intersection E3. Because E1 intersection E2 की intersection लेंगे with E2 intersection E3, तो intersection का operation जो है ये commutative भी है, ये associative भी होता है, so E2 intersection E2 E2 के equal आएगा, तो total इन sets की intersection E1 intersection E2 intersection E3 के equal है. और यही हमने claim किया हुआ था कि E1 union E2 union E3 की measure equal होती है measure of first plus measure of second plus measure of third minus measure of their intersection, that is E2 intersection E3, E1 intersection E2, E1 intersection E3, and plus measure of the intersection of all the three sets. Next, एक question देखते हैं. If E1, E2, E3 and E4 are measurable sets, then measure of E1 union E2 union E3 union E4 ये किसके इक्वल होगी, ये आपने वेरीफाई करना है, इसकी राइट साइड क्या बनेगी, एंड देन इसका प्रूफ करना है. हिंट इसके लिए मैं दे देता हूं कि आप डी सेट ले लें E1 यूनियन E2 को, और से ई सेट ले लें E3 यूनियन E4 को, और प्रीवियस थ्योरम में जो इक्वेशन 1 थी वो यूज करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये डी और ये ई बन जाएगा. तो डी यूनियन ई की मेजर फाइंड करके आपने गैस करना है कि इसकी राइट साइड क्या बनेगी. नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ E1, E2, up to so on, EN is a finite family, of pairwise disjoint measurable sets, then Lebesgue measure of union I varies from 1 to n EI is equal to summation I varies from 1 to n measure of EI. Verify using above result. तो ये टू क्वेश्चन आपने ट्राई करने. फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट आप देखें कि इसी तरह हम एक एक मेजरेबल सेट इंट्रोड्यूस करते जाएं इस यूनियन में, तो ये हमारे पास काउंटेबल फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स का जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा. और इसी तरह अगर ये फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हों, तो फिर यूनियन की मेजर एग्जैक्टली मेजर के सम के इक्वल होती है. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने देखा कि अगर हम एक फाइनाइट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उसकी मेजर कैसे कैलकुलेट की जाती है. अब नेक्स्ट थ्योरम में हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लेंगे जो सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और
उस सीक्वेंस की इंटरसेक्शन से जो सेट जनरेट हो रहा है उस सेट की मेजर फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए मेजर ऑफ ए सिंगल सेट. सो इफ ई एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज ई वन लेस देन इन्फिनिटी देन मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन ओवर एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन एंड शो बाय एन एग्जाम्पल दैट द कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन दैट इज मेजर ऑफ ई वन जो कंडीशन लगी है कि लेस देन इन्फिनिटी दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन दैट इज इफ वी टेक मेजर ऑफ ई वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन दिस प्रॉपर्टी मे नॉट होल्ड. इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि अगर ई एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो विद फर्स्ट सेट की मेजर फाइनाइट हो तो फिर इंटरसेक्शन की मेजर इस लिमिट से फाइंड की जा सकती है. डियर स्टूडेंट्स नोट दैट ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सो ये ए ई वन सेट ये ई टू सेट इसी तरह ई थ्री सेट एंड सो ऑन ये प्रोसेस कंटिन्यू है. तो ये सेट्स की कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की है कि सेट ई टू इंक्लूडेड है कंटेन्ड है सेट ई वन में सेट ई थ्री कंटेन्ड है सेट ई टू में एंड सो ऑन. आप जैसे जैसे सबस्क्रिप्ट दैट इज इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे सेट इंक्लूड होता जाएगा दूसरे सेट में दैट इज सब सेट बनता जाएगा दूसरे सेट का. तो इस वजह से ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेन डायग्राम. अब नेक्स्ट हमने इनफैक्ट इंटरसेक्शन ई एन की मेजर फाइंड आउट करनी है. सो लेट ई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ई एन एंड एफ आई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई आई प्लस वन. फॉर एग्जाम्पल ये शेडिड रीजन देखें इस डायग्राम का तो ये ई वन माइनस ई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एफ वन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह नेक्स्ट शेडिड रीजन देखें ये वाला तो ये शेडिड रीजन जो है ये ई टू माइनस ई थ्री दैट इज एफ टू को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह सेट विद इन सेट लेकर हम ये सेट जनरेट कर रहे हैं एफ वन एफ टू एंड सो ऑन और इन तमाम सेट्स ई आईज की जो इंटरसेक्शन है वो एक न्यू सेट है से ई. ऑफ कोर्स ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो रफली स्पीकिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट इस सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है उसको हमने ई कह लिया. अब हम इसी ई सेट की मेजर फाइंड करने में इंटरेस्टेड है ये हमारा टारगेट है. एज ई सबसेट ऑफ ई एन फॉर ऑल एन बिकॉज ई इंटरसेक्शन से जनरेट हुआ है सेट सो ये ऑल एन के लिए ई एन का सबसेट है. दिस इंप्लाइज ई ऑफ कोर्स सबसेट होगा ई वन का एंड दिस इंप्लाइज. अब यहां पे नोट करें कि मैं लबेग आउटर मेजर अप्लाई करूं या लबेग मेजर अप्लाई करूं तो क्योंकि ई एन सारे मेजरेबल सेट हैं इनफैक्ट इवन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स हम ले रहे हैं. तो क्योंकि हमारे पास ई एन ऑल मेजरेबल सेट्स हैं तो मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है. सो ई इज मेजरेबल और इन पर्टिकुलर ऑल सेट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स सो ई वन इज ऑल्सो मेजरेबल. तो अगर ई वन मेजरेबल है ई भी मेजरेबल है तो हम लबेग मेजर अप्लाई कर लेते हैं. तो लबेग मेजर अप्लाई करेंगे तो मेजर ऑफ ई लेस आर इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन सिंस एम इज मोनोटोन
एंड दिस लुबेग मैयर ऑफ ई वन इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज लुबेग मैयर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज मैयर या इनफैक्ट मैयर से मुराद हमारी लुबेग मैयर है, मैयर ऑफ ई इज फाइनाइट। तो फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव हुई कि अगर ई वन की मैयर फाइनाइट हो तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से जो इस सीक्वेंस की इंटरसेक्शन से सेट जनरेट होगा उस सेट की मैयर भी फाइनाइट होगी। फर्दर आप नोट करें कि एफ आई जो सेट हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया कि एफ वन ई वन माइनस ई टू है, एफ टू ई टू माइनस ई थ्री है, तो ये एफ आई जो है ये इनफैक्ट पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस बनेगा। अब इस सीक्वेंस के सेट्स भी मेयरेबल होंगे या नहीं होंगे ये हम देखते हैं। आल्सो एफ आई इक्वल है ई आई माइनस ई आई प्लस वन विच इज इक्वल टू ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन कंप्लीमेंट, दिस इंप्लाइज एफ आई इज मेयरेबल। वाई एफ आई इज मेयरेबल, सिंस ई आई एंड ई आई प्लस वन कंप्लीमेंट आर मेयरेबल, क्योंकि ई आई सेट मेयरेबल है और मेयरेबल सेट का कंप्लीमेंट भी मेयरेबल होता है। सो ई आई प्लस वन मेयरेबल है तो ई आई प्लस वन कंप्लीमेंट भी मेयरेबल होगा, और मेयरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन अगेन एक मेयरेबल सेट, सो एफ आई ईच एफ आई इज मेयरेबल। राइट, नेक्स्ट वी शो दैट एफ आई इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेयरेबल सेट्स। सो मेयरेबल तो हमने देख लिया कि हर एफ आई मेयरेबल है। नेक्स्ट हम शो ये कर देते हैं कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। सो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे, दिस इज इनफैक्ट एफ जे इज इक्वल टू फाई फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। सपोज आई इज ग्रेटर देन जे, बिकॉज इक्वल नहीं है तो ऑफकोर्स आई या लेस देन जे होगा या ग्रेटर देन जे, दिस इंप्लाइज आई इज ग्रेटर देन जे एंड दिस इंप्लाइज आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू जे प्लस वन। अब क्योंकि आई जे से ग्रेटर है, फॉर एग्जाम्पल आई अगर से सेवन है तो जे की वैल्यू हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई भी ले सकते हैं, सो आई मस्ट ग्रेटर आर इक्वल होगा जे प्लस वन से। कंसिडर एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे, दिस इज इक्वल टू एफ आई बाई डेफिनेशन इक्वल टू ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन विद एफ जे विच इज ई जे इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन कंप्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू ई आई इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन विद ई आई प्लस वन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई आई, दिस इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन दिस सेट विच इज इक्वल टू फाई। अब यहां आपने नोट करना है कि ई वन इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन कंप्लीमेंट ये फाई के इक्वल क्यों है, बिकॉज
ई जो है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और आई ग्रेटर आर इक्वल टू जे प्लस वन है, सो ई आई इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होगा। आपने इस क्लेम को वेरीफाई करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग ए वेन डायग्राम ऑफ दी सेट्स। तो इसकी वेन डायग्राम आपने बना के वेरीफाई करना है कि ई आई और ई जे प्लस वन कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन इनफैक्ट एक एम्प्टी सेट आता है। सो एफ आई इज ए पेयर वाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। आई होप के आपको यहां तक ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। यहां तक मैं अगेन इसको रिपीट करता हूं, ई एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स गिवन था विद मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज ई वन लेस देन इंफिनिटी है। टारगेट हमारा ये था कि हमने शो करना है कि मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन ओवर एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल। एंड देन इसके बाद एक काउंटर एग्जाम्पल देनी है जिसमें हमने प्रूव करना है कि अगर मेजर ऑफ ई वन इन्फिनिटी ले लें तो ये कंक्लूजन जो है ये वैलिड नहीं है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इंटरसेक्शन ई एन की मेजर चाहिए। अब इंटरसेक्शन ई एन की मेजर फाइंड करने के लिए ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मैंने इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस से जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट जनरेट हो रहा है उसको लेट कर लिया ई के इक्वल, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कंजेक्टिव सेट्स फॉर एग्जांपल ई वन ई टू ई टू ई थ्री इनके डिफरेंस को इन जनरल एफ आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ई क्योंकि इंटरसेक्शन से जनरेट हुआ था सेट, तो ई सबसेट है ई एन का फॉर ऑल एन, तो ई सबसेट हो गया ई वन का इन पर्टिकुलर। अगेन ई बीइंग इंटरसेक्शन काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ई वन इज गिवन ए मेजरेबल सेट और लेबेग मेजर जो है ये मोनोटोन है, सो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की तो मेजर ऑफ ई लेस आर इक्वल आ गई मेजर ऑफ ई वन से। अब मेजर ऑफ ई वन इनफैक्ट लेस देन इंफिनिटी है दैट इज फाइनाइट है, सो मेजर ऑफ ई इज ऑल्सो फाइनाइट। अब जब मेजर ऑफ ई फाइनाइट शो होगी तो इसके बाद मैंने इनफैक्ट शो करना था कि एफ आई इज ए पेयर वाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। सो एफ आई की डेफिनेशन हमने देखी विच इज ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, तो बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स ईच एफ आई इज मेजरेबल। नेक्स्ट वी क्लेम दैट दिस सीक्वेंस इज पेयर वाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस। फॉर दिस वी टेक टू सेट्स एफ आई एंड एफ जे इनफैक्ट टू डिस्टिंक्ट सेट्स दैट इज आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड सिंस आई इज नॉट इक्वल टू जे सो वी सपोज आई इज ग्रेटर देन जे, दिस इंप्लाइज आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू जे प्लस वन। नेक्स्ट वी कंसिडर एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे एंड वी पुट द वैल्यूज ऑफ एफ आई एंड एफ जे। आफ्टर यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वी कंक्लूड दैट ई आई इंटरसेक्शन ई जे प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इन फैक्ट एम्प्टी सेट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट विद एनी अदर सेट इज अगेन एम्प्टी सेट, एंड दिस प्रूव्स अवर क्लेम दैट इज एफ आई इज ए पेयर वाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक जब हमने एफ आई को एक डिसज्वाइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स प्रूव कर लिया, अब नोट करें कि ई वन सेट और ई सेट में क्या रिलेशन है। बिकॉज ई वन सबसेट है, ई वन सुपर सेट है ई का, सो ई वन इज सुपर सेट ऑफ ई। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों सेट्स का, दिस इज इनफैक्ट
ई वन माइनस ई. नोट दैट ई वन कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ टू डिसज्वाइंट मेजरेबल सेट्स E and E1 minus E. That is, E1 is equal to E union E1 minus E. Taking Lebesgue measure on both sides, so measure of E union E1 minus E, and this is equal to measure of E plus measure of E1 minus E, because M is finitely additive. And this implies measure of E1 minus measure of E is equal to measure of E1 minus E. Say this is relation number one. Also, measure of EI minus EI plus 1 is equal to measure of EI minus measure of EI plus 1. हो ये आपने चेक करना है. नेक्स्ट वी क्लेम दैट, डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्लेम ये है कि E1 minus E सेट जो है ये इनफैक्ट यूनियन है एफ आई की, आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. अब इस क्लेम की वेरिफिकेशन, दैट इज ऑल एफ आईज को कंबाइन करें तो सेम सेट मिलता है ई वन माइनस ई. फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू ई वन माइनस ई. दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई वन and x does not belongs to E, which is intersection of E n, and this implies for some j x belongs to E j and x does not belongs to E j plus 1. अब यहां पे इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि x पॉइंट e1 और e के डिफरेंस में है. डिफरेंस में है तो ऑफ कोर्स e1 में है और e में नहीं है. अगर e में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा. अब इंटरसेक्शन में नहीं है पॉइंट तो डेफिनेटली कुछ सेट ऐसे होंगे जिन सेट से ये पॉइंट बिलोंग नहीं करता. तो हमने एज्यूम कर लिया कि ई जे वो सेट है जिससे ये बिलोंग करता है, बट इससे नेक्स्ट आने वाला जो सेट है ई जे प्लस वन उससे बिलोंग नहीं करता. अब नोट करें कि हमारे पास ये सेट्स इस तरह थे कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. ई वन सुपर सेट है ई टू का, ई टू सुपर सेट है ई थ्री का, और ये सेट इंक्लूजन कंटिन्यू है ई जे प्लस वन एंड सो ऑन. तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होने की वजह से एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक्स एक सेट से बिलोंग करेगा बट उससे नेक्स्ट सेट से बिलोंग नहीं करेगा. बिकॉज अगर ये सारे सेट से बिलोंग कर जाता तो इसको इंटरसेक्शन में होना चाहिए था, जबकि हम देख रहे हैं कि एक्स इंटरसेक्शन में नहीं है. सो फॉर समझे
एक्स बिलोंग्स टू ई जे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई जे प्लस वन एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई जे माइनस ई जे प्लस वन, क्योंकि एक्स पॉइंट ई जे में है और ई जे प्लस वन में नहीं है, सो डिफरेंस से बिलोंग करेगा। इस डिफरेंस को नाम हमने दिया हुआ है एफ जे का, सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एफ जे एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई। अब क्योंकि एक्स एक जेथ सेट से बिलोंग कर गया है, तो एक सेट में है तो ऑफकोर्स यूनियन में मस्ट होगा, सो एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई। तो एक्स पॉइंट मैंने लिया ई वन माइनस ई में से था और एक्स पॉइंट बिलोंग कर गया इस यूनियन से, देयर फोर ई वन माइनस ई इज सबसेट ऑफ यूनियन एफ आई आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। दिस इज आवर रिलेशन नंबर थ्री। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एफ जे फॉर सम जे। एंड दिस इंप्लाइज एफ जे की वैल्यू देखें तो ये ई जे माइनस ई जे प्लस वन है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई जे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई जे प्लस वन एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई वन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ई एन ओवर एन विच इज इक्वल टू ई एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई वन माइनस ई। अब इनफैक्ट इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए कि एक्स अगर यूनियन में है तो ऑफकोर्स कुछ सेट में होगा, तो हमने कहा एक्स एफ जे में है, अगर एफ जे में है तो एफ जे की डेफिनेशन है ई जे माइनस ई जे प्लस वन, सो एक्स ई जे में है और एक्स ई जे प्लस वन में नहीं है, तो एक सेट एटलीस्ट ई जे प्लस वन ऐसा है जिससे ये पॉइंट बिलोंग नहीं करता। तो जब ये पॉइंट एक सेट से बिलोंग नहीं करता तो ये रिजल्ट इंप्लाइज करेगा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट से बिलोंग नहीं करेगा। और एक्स अगर किसी एक सेट ई जे से बिलोंग कर गया तो ये तो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ई वन ई टू ई थ्री एंड सो ऑन ई जे, तो अगर एक्स ई जे में है तो ऑफ कोर्स ई वन में है, सो यहां से मैंने कंक्लूड किया कि एक्स किसी भी एक सेट से बिलोंग कर गया तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से ये सुपर सेट से मस्ट बिलोंग करेगा, दैट इज ई वन से मस्ट बिलोंग करेगा, बट किसी एक सेट में नहीं है तो ये इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इंप्लाइज यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई सबसेट है ई वन माइनस ई का। दिस इज रिलेशन नंबर थ्री। फ्रॉम थ्री एंड फोर, दिस इज इन फैक्ट रिलेशन फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी ऑब्टेन ई वन माइनस ई इज इक्वल टू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई एंड दिस इंप्लाइज लुबेग मैयर ऑफ ई वन माइनस ई इज इक्वल टू लुबेग मैयर ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई एंड दिस इज इंप्लाइज लुबेग मैयर ऑफ ई वन माइनस लुबेग मैयर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लुबेग मैयर ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ आई एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन लुबेग मैयर ऑफ एफ आई।
बिकॉज एम जो है ये काउंटेबली एडिटिव होता है, तो एफ आईज जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं जो मैयरेबल हैं, तो लेबेग मैयर काउंटेबली एडिटिव है, तो काउंटेबली एडिटिविटी यहां यूज की तो ये इसके इक्वल आ गया. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन. अब एफ आई की मैयर आप देखिएगा रिलेशन टू के अंदर, तो ये मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ ई आई प्लस वन. सो दिस इज मैयर ऑफ ई आई माइनस मैयर ऑफ ई आई प्लस वन. दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी. अब इस समेशन साइन को ओपन करें, आई को वन पुट करें, तो मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ ई टू प्लस मैयर ऑफ ई टू माइनस मैयर ऑफ ई थ्री. अब आई को थ्री पुट करें, तो मैयर ऑफ ई थ्री माइनस मैयर ऑफ ई फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस मैयर ऑफ ई एन माइनस मैयर ऑफ ई एन प्लस वन. अब मैयर ऑफ ई वन फाइनाइट है और बाकी सारे सेट्स जो हैं वो ई वन के सबसेट से, तो हर सेट की मैयर फाइनाइट होगी. सो मैयर ऑफ ई टू माइनस मैयर ऑफ ई टू से कैंसल, मैयर ऑफ ई थ्री माइनस मैयर ऑफ ई थ्री से कैंसल एंड सो ऑन. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो ये रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगी जो मैयर. दिस इज लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ ई एन प्लस वन. एंड दिस इंप्लाइज मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ ई इज इक्वल टू मैयर ऑफ ई वन, बिकॉज मैयर ऑफ ई वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन. सो लिमिट नेक्स्ट टर्म पे अप्लाई होगी, माइनस लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन प्लस वन. अब मैयर ऑफ ई वन फाइनाइट है, सो ये दोनों तरफ से कैंसल, नेगेटिव साइन भी कैंसल, तो मैयर ऑफ ई इक्वल आ गया लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन प्लस वन. दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन, बिकॉज एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो एन और एन प्लस वन मेक्स नो डिफरेंस, दोनों ही इन्फिनिटी ट्रीट होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस थ्योरम का प्रूफ, क्वाइट लेंथी प्रूफ. जस्ट स्टेप्स हम रिकॉल करते हैं. ई एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मैयरेबल सेट्स है, जिसमें ई वन सेट की मैयर फाइनाइट है. हमने इंटरसेक्शन की मैयर फाइंड आउट करनी थी. अब इसमें सबसे पहले हमने ये किया कि हमने इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट से पेयर वाइज डिसजॉइंट मैयरेबल सेट्स की एक सीक्वेंस जनरेट की. अब ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट उसी प्रोसेस से हमने कंस्ट्रक्ट की जैसे हमने श्रोडर ब्रेंस्टन थ्योरम में आपको याद होगा कंस्ट्रक्ट की थी. तो ये हमने E इक्वल टू इंटरसेक्शन ई एन ले लिया और एफ आई डिफरेंस ऑफ टू कंजेक्टिव सेट से ई आई और ई आई प्लस वन के डिफरेंस को डिनोट कर दिया. देन आफ्टर सम कैलकुलेशन वी सी दैट फ्रॉम ई एन वी ऑब्टेन ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मैयरेबल सेट्स एफ आई. फर्दर नेक्स्ट जब हमने देखा तो ई वन और ई सेट जो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ई एन है, इनका डिफरेंस इनफैक्ट लिखा जा सकता है, इनका डिफरेंस लिखा जा सकता है. ये इक्वेशन जो हमारे पास जनरेट हुई, ई वन माइनस ई इज इक्वल टू यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ आई. अब इस डिफरेंस को आपने देखा कि ये इजीली इन सेट्स की यूनियन के इक्वल है, बिकॉज आपने पहले ई वन माइनस ई में से पॉइंट लेना है और इस यूनियन में शो करना है, देन यूनियन में से पॉइंट लेकर इस सेट में शो करना है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएंगे, सो इक्वल सेट्स हैं. देन हमने दोनों तरफ लेबेग मैयर ले ली. अब इस साइड पे लेबेग मैयर जब अप्लाई की
तो एफ आई मैयरेबल है और मैयरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी मैयरेबल होती है, सो दिस सेट इज मैयरेबल। तो मैयरेबल होने की वजह से यहां मैंने लबेग मैयर ली थी। इससे पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं कि मैयर ऑफ ई वन माइनस ई इनफैक्ट इक्वल है मैयर ऑफ ई वन माइनस ई के, एंड देन मैयर ऑफ एफ आई मैयर ऑफ ई आई माइनस मैयर ऑफ ई आई प्लस वन के इक्वल है। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब थ्योरम में हमने क्लेम किया है कि दिस कंडीशन दैट इज मैयर ऑफ ई वन लेस देन इन्फिनिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन। तो अब हमने एक काउंटर एग्जाम्पल देनी है, एक ऐसा सीक्वेंस बताना है जो डिक्रीजिंग भी हो बट अगर फर्स्ट सेट की मैयर इन्फिनिटी हो तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। सो काउंटर एग्जाम्पल, लेट ई एन इज इक्वल टू से ओपन इंटरवल एन टू इन्फिनिटी। अब इन इंटरवल्स को आप ड्रॉ करें रियल लाइन पे, तो एन को वन रखें तो ई वन बनता है ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, दिस इज ई वन सेट। ई टू सेट जो आता है ये टू टू इन्फिनिटी, दिस इज ई टू सेट। तो आप नोट करें कि जैसे जैसे हम इंडेक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सेट इंक्लूड होता जा रहा है, कंटेन्ड होता जा रहा है प्रीवियस सेट में। सो ई वन सुपर सेट है ई टू का, ई टू सुपर सेट है ई थ्री का, एंड सो ऑन। देयरफोर ई एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई मेजरेबल सेट्स की। ऑल्सो नोट दैट मेजर ऑफ ई वन विच इज इनफैक्ट लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इन्फिनिटी है। फर्दर वट इज इंटरसेक्शन ऑफ ई एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स नोट दैट कि अगर हम ई वन और ई टू की इंटरसेक्शन लें तो ई टू के इक्वल, ई टू और ई थ्री की इंटरसेक्शन लें तो ई थ्री के इक्वल, और इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो इस सेट का साइज जो है वो रफली श्रिंक होता जाएगा। तो जब आप इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के ऑल एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन ई एन एम्प्टी सेट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू मेजर ऑफ एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू जीरो, बट मेजर ऑफ ई एन इज मेजर ऑफ इनफैक्ट इंटरवल एन टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन इज ऑल्सो इन्फिनिटी फ्रॉम वन एंड टू। मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो ये इनफैक्ट कंक्लूजन था इस थ्योरम का कि अगर हम मेजर ऑफ ई वन इन्फिनिटी ले लें तो हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। आई होप कि यहां तक ये रिजल्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट जैसे स्टार्ट में मैंने हाईलाइट किया था कि आज के लेक्चर में हम मेजरेबल सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेकर उनकी मेजर फाइंड करेंगे, ये हमारा टारगेट है।
तो स्टार्ट में मैंने थ्री मेजरेबल सेट्स लिए, E1, E2, E3 और यूनियन की मेजर फाइंड की। उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लिया जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है विद कंडीशन दैट मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज E1 इज लेस देन इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन की मेजर फाइंड की इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल सेट EN, मेजर ऑफ EN। एंड देन हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मेजर ऑफ E1 लेस देन इन्फिनिटी की कंडीशन इम्पोज नहीं करते तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। इस केस में जैसे आपने ये काउंटर एग्जाम्पल देखी कि अगर हम सीक्वेंस इन ओपन इंटरवल्स की ले लें तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट सेट की मेजर इन्फिनिटी है, बट इसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट जनरेट होता है जिसकी मेजर जीरो है और एन सेट की मेजर इन्फिनिटी है, सो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी रहेगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम ये देखते हैं कि अगर हम यूनियन EN की मेजर फाइंड करें तो क्या वो यूनियन की मेजर भी एक सिंगल सेट की मेजर से कैलकुलेट की जा सकती है। तो नेक्स्ट इनफैक्ट थ्योरम, इफ EN इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स देन मेजर ऑफ यूनियन एंड EN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN। तो अब हमने सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली है, दैट इज E1, E1 का सुपरसेट E2, E2 का सुपरसेट E3 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि B1 सेट इज इक्वल टू E1, B2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड सो ऑन, BN इज इक्वल टू EN माइनस EN माइनस 1। तो B1 हमने इस सेट को डिक्लेयर कर लिया, B2 हमने इस सेट को डिक्लेयर कर लिया, E2 माइनस E1 पोर्शन को, इसी तरह ये सेट जो है ये B3 हो गया, E3 माइनस E2। तो क्लियरली BI इज ए पेयर वाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। Note that what is union and EN, and union I varies from say 1 to infinity BI, इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन होगा? तो इन ऑल ई आईज की यूनियन ले और इनफैक्ट बी आईज की यूनियन ले तो ऑफकोर्स ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो EN इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है, तो इनकी काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होगी और हर एक BI के मेजरेबल होने से ये भी एक मेजरेबल सेट्स की यूनियन है जो पेयर वाइज डिसज्वाइंट है। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ यूनियन एंड EN इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी BI। दिस इज इनफैक्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n BI। डियर स्टूडेंट नोट दैट कि इन ऑल B1 टू BN की अगर हम यूनियन लें तो वो कौन सा सेट होगा? इसके लिए हम जस्ट देखते हैं कि B1 और B2 की यूनियन किस सेट के इक्वल आती है, वहां से इसको हम जनरलाइज करते हैं। नोट दैट
बी वन यूनियन बी टू, बी वन इज इनफैक्ट ई वन यूनियन ई टू माइनस ई वन, दिस इज इक्वल टू ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन विद ई वन यूनियन ई वन कॉम्प्लीमेंट। अब ई वन यूनियन ई टू किसके इक्वल है, क्योंकि ई वन सबसेट है ई टू का, सो ई वन यूनियन ई टू इज ई टू इंटरसेक्शन विद ई वन यूनियन ई वन कॉम्प्लीमेंट इज होल रियल लाइन, सो दिस इज ई टू। तो हमने देखा कि बी वन और बी टू की यूनियन ई टू के इक्वल है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि बी वन बी टू और बी थ्री की जो यूनियन होगी वो ई थ्री के इक्वल होगी। तो इन जनरल आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, बी आई की जो यूनियन है ये इक्वल है ई एन के, सिंस यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, बी आई इज इक्वल टू ई एन। अब ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करना है कैसे आया है, और इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने टू सेट्स के लिए आपको बताया, यहाँ पे ये ई एन जो होगा ये यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन बी एन के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने फोकस किया कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स ले लें तो उस सीक्वेंस की मेजर कैसे फाइंड की जाती है। इनफैक्ट टू पर्टिकुलर केसेस हमने देखे कि अगर हम सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस लें विद फर्स्ट सेट की मेजर लेस देन इन्फिनिटी, तो इस केस में हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट की मेजर आती है वो इक्वल आती है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एन। देन हमने एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट लिया और अगेन ये रिजल्ट इम्पोज किया, जब ये रिजल्ट इम्पोज किया तो हमारे पास यूनियन की मेजर फाइंड होगी कि यूनियन की मेजर जो है वो इनफैक्ट इक्वल आती है मेजर ऑफ एनथ सेट्स के। आई होप यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोरेल मेजरेबल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।